भाई केक को गिर जाएंगे लोग। हम क्या जनक मैडम को खिलाओ। अबे भाई थोड़ा तो बंद कर Hi, this is Chandni and you're watching PNTV. Welcome to Press News TV. Thank you. So 300 episodes finally पूरे हो चुके हैं। Yeah. 100 का celebration। जी। 100 जी। 300. Yes. तो क्या आज set पर कैसा माहौल है? अभी तो हम काम कर रहे हैं। और पैकअप के बाद सम पार्टीज प्लान्ड, तो वी आर रियली एक्साइटेड फॉर इट। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमने 300 एपिसोड्स कंप्लीट कर दिए। सबकी मेहनत है इसमें, राइट फ्रॉम आर डायरेक्टर टू आर क्रिएटिव्स टू ऑल द एक्टर्स, स्पॉट दादाज, मेकअप आर्टिस्ट, सबकी बहुत मेहनत लगी है इसमें और वो मेहनत दिखती है स्क्रीन पे एंड चार्ट्स पे। अगर आपकी बात करें तो 300 एपिसोड की जर्नी है तो काफी ज्यादा बॉन्ड बन जाता है जी, तो जी। पर्सनल फेवरेट कौन है? आई थिंक माय मॉम पूर्वा इज माय फेवरेट हियर एंड आल्सो माय मदर इन लॉ तनुजा। जैसे वो मुझे ऑन स्क्रीन सपोर्ट करते हैं वैसे ही वो ऑफ स्क्रीन भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ पर्सनल लाइफ में चल रहा होता है, आई डिस्कस इट विद देम बिकॉज दे आर सीनियर टू मी एंड दे आर ऑल्सो एल्डर टू मी। तो वो मुझे अच्छे से गाइड करते हैं अपनी बेटी की तरह, अपनी छोटी बहन की तरह। दे आर मदर ऑफ डॉटर्स सो दे हैव गर्ल्स इन एट देयर होम, तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यू नो कभी भी मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, तो वो हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड बनके, बड़ी बहन बनके मुझे गाइड करती हैं। सो आई लव देम। इरिटेट तो एज इन एज सच कोई करता नहीं है, ऑनेस्टली नहीं करता, कोई भी इरिटेट नहीं करता, सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी बात करें तो आपने ग्रे शेड काफी प्ले करा है। जी जी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स पे आपका क्या टेक है? यू वांटेड टू डू पॉजिटिव वंस? Think I want to play every kind of character. As an actor I want to explore different shades and different moods and alag alag ras, kyunki actor ke liye bahut important. Sirf positive bhi karte raho to bahut boring ho jata hai, hamesha bichari dikhna ye wo, but wo bhi bahut important hai. That is also one of the shades. So main positive bhi karna chahungi, main psychopath bhi karna chahungi, main you know maybe a serial killer I would love to play. And but I don't know why, but मुझे हमेशा बहुत ही बॉसी, वेरी फैशनिस्टा काइंड ऑफ रोल, वेरी पू लाइक रोल्स ऑफर होते हैं हमेशा। इधर शो की बात करें तो अभी अर्शी के कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हमने देखे जी, कौन सा शेड आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्या आप प्ले करना चाहते हो? और एज एन लाइक जाननी आप क्या इनपुट एक्स्ट्रा डालते हैं इन कैरेक्टर? ओके क्योंकि वो है नहीं अभी, नहीं है। मे बी अर्शी का ऑब्सेशन ज़्यादा होना चाहिए। आई वुड लव टू सी दैट, लाइक हाउ सम पीपल इन लव आर लाइक ऑब्सेस्ड लवर्स, दे ट्रैक एवरीथिंग एंड दे आर जस्ट क्रेजी फॉर देयर लवर। क्योंकि अर्शी बहुत ही चरम सीमा पर, बहुत ही बॉर्डर लाइन पर है उस कैरेक्टर की, बिकॉज अर्शी सो ऑब्सेस्ड विद अनिरुद्ध कि उसे पता भी है कि वो उससे प्यार नहीं करता, स्टिल शी इज़ बिहाइंड हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वुड बी इंटरेस्टिंग व्हेन शी गोज़ अ लिटिल फ्लिप एंड साइको। मीडिया ट्रोल्स के बारे में क्या कहना है कि काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं जी 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 जी
ऑल्सो एक और साइड है जो अर्शी कैरेक्टर को एक्चुअली पसंद करते हैं ओवर I don't think so. No one does. No one does. That's not true. I think Janak is a very lovable character. और Hiba बहुत अच्छे से उसे play भी कर रही है. तो उससे प्यार होना लाजमी है. जो अर्शी को hate करते हैं, I think character is written like that कि उससे hate हो. तो वो भी बहुत important है. पर out and out मुझे इतना negative character लगता नहीं है. It's not रावण in रामायण. She is right, I think. और जब भी लोग ट्रोल करते हैं या बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने आप को सिचुएशन में रख के देखिए. आप किसी से प्यार करते हैं, आपका बहुत ही लंबे अरसे से उसके साथ रिलेशनशिप है. आप अपने मंगेतर को अपनी कज़न से मिलाते हैं और उसे कज़न से प्यार हो जाता है, और अब कज़न आपके मंगेतर के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो उसे उसकी साइड लेता है आपको छोड़ के. तो आपका तो पूरा जो गुरूर है वो चकनाचूर हो चुका है. तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं? क्या आप ये चीज़ टॉलरेट करेंगे कि अगर आपका मंगेतर या आपका पति आपकी बहन के साथ प्यार में पड़ जाए? सो इफ यू कैन जस्टिफाई दैट, देन या यू आर यू कैन हेट मी. But yeah, it's celebration time. So what do you have to say to your fans? I'm very excited, and it's only because of the fans of Janak serial, and I feel blessed, and I'm really grateful to the whole team, to the directors, to the director, to the producers, to casting people who thought that I can. I'll fit the bill and I can play this role of Arshi. So thank you so much, and please keep watching Janak.